हम लेआउट टैब के अंदर टेबल ग्रुप को देखते हैं। टेबल ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर है सिलेक्ट सेल। अभी हमारा कर्सर जो है वो ये फर्स्ट सेल में है, तो जैसे ही हम सिलेक्ट सेल करेंगे तो ये हमारा पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी एक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस रो पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रो करेंगे, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। यही काम हम रो के बिगनिंग में क्लिक करने से भी कर सकते हैं। अगर हमने ये रो सिलेक्ट करनी है तो हम बिगनिंग में क्लिक करेंगे। अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमने पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो हम इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ये छोटा सा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे कर्सर हमारा यहाँ पे है तो हम सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट टेबल करेंगे, इससे भी हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। व्यू ग्रिड लाइंस जो है ये ऑप्शन कैसे काम करेगी, ये अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। कोई ऑप्शन हमें कुछ इसकी विजिबिलिटी नहीं है। हम सबसे पहले जो हमारी टेबल बनी हुई है हम इसके अंदर से ग्रिड्स यहाँ पे चलते हैं हम होम में, और यहाँ से जाके हम इस बॉर्डर्स को हटा देते हैं, नो बॉर्डर। अब देखिए अब ये हमारे पास ग्रिड लाइंस अब अपियर हो रही हैं। हम जाके लेआउट में दोबारा जाते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं। अब देखिए ग्रिड लाइंस हमें अपियर नहीं हो रही हैं, टेबल हमारी बनी हुई है लेकिन उसके अंदर जो आउटर बाउंड्रीज हैं वो नज़र नहीं आएंगी, ना स्क्रीन पे नज़र आएंगी ना ही प्रिंटिंग में नज़र आएंगी। जब हम व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे तो ये हमारे आउटर बाउंड्रीज नज़र आएंगी, बेशक ये प्रिंटिंग में नज़र नहीं आएंगी। उसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके हम टेबल की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, रोज़ की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, कॉलम्स की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रो की हाइट, कॉलम की विड्थ ये हम और टेबल के पूरी विड्थ हम इसमें सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम टेबल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में रहने वाला टेबल सेंटर और राइट, ये भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमारी टेबल की जो विड्थ है हमने कहा इसको 4 इंचज़ में रहे और ये सेंटर में रहे, तो हम ओके करेंगे तो ये 4 इंचज़ और सेंटर में ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम कर सकते हैं, विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं।